वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल की नॉवेल द हाउंड ऑफ बास्करविले। दोस्तों इसे यूनाइटेड किंगडम में लिखा गया था। इस नॉवेल की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। शर्लक होम्स सीरीज की ये नॉवेल है और इस नॉवेल की जेनरा डिटेक्टिव फिक्शन है। पहली बार इसे पब्लिशर जॉर्ज न्यूनेस के द्वारा 1902 में पब्लिश किया गया था। 2003 बीबीसी की सर्वे द बिग रीड में 200 बेस्ट लव नॉवेल्स में से 128 नंबर पे लिस्ट किया गया है, जबकि 1999 में 100 शर्लॉकियन स्कॉलर्स ने सारे होम्स के नॉवल में इसे टॉप पे रखा है, जबकि 8 ईयर्स पहले 1893 में द फाइनल प्रॉब्लम में शर्लॉक होम्स को एक डिटेक्टिव के कैरेक्टर पे शो किया गया था, जिसमें कि वो मर जाते हैं और वहाँ से इस कैरेक्टर की अंत हुई थी। फिर 8 साल बाद दोबारा आर्थर कॉनन ने शर्लॉक होम्स को जीवित किया द हाउंड ऑफ बास्करविले में, और इस नॉवेल की सक्सेस के बाद दोबारा द रिटर्न ऑफ शर्लॉक होम्स पब्लिश हुई। दोस्तों आर्थर कॉनन डॉयल की 4 क्राइम नॉवेल्स में से ये तीसरी नॉवेल है। शर्लॉक होम्स को बेस्ट डिटेक्टिव कैरेक्टर के तौर पर इस नॉवेल में रिप्रेजेंट किया गया है। अगस्त 1901 से लेकर के अप्रैल 1902 तक द स्टैंड मैगजीन में सीरियली इस नॉवेल को पब्लिश किया गया। इस नॉवेल को डार्टमूर में सेट किया गया है, जो कि देवोन में आता है। इंग्लैंड की वेस्ट कंट्रीज में से एक कंट्री है देवोन। ये स्टोरी हत्या की एक साजिश को बता रही है, जो कि अलौकिक शक्ति से पैदा हुआ एक शिकारी कुत्ता, जो शैतानी कुत्ता है, वो इस हत्या को अंजाम दे रहा है, क्योंकि बास्करविले की फैमिली पे श्राप है। तो चलिए इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा शर्लॉक होम्स, जो कि एक जासूस है, स्पाई, और इनके कंपेनियन साथी हैं डॉक्टर वॉटसन। दूसरा कैरेक्टर है हमारे डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर। फिर बास्करविले फैमिली के 3 कैरेक्टर्स हैं, सर हुगो बास्करविले, सर चार्ल्स बास्करविले, सर हेनरी बास्करविले। साथ ही एक इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है लेस्ट्रेड। फिर एक कैरेक्टर है मिस्टर स्टेपलेटन, मिस बेराइल स्टेपलेटन, ये दोनों ही बास्करविले फैमिली के नेबर हैं। मिस्टर जॉन बेरीमून, मिसेस एलिजा बेरीमून, ये दोनों बास्करविले फैमिली के उस प्रॉपर्टी की देख रेख करते हैं। सेल्डन, जो कि एलिजा बेरीमून का भाई है, जो जेल से भागा हुआ एक अपराधी है। मिस्टर फ्रैंकलिन और उनकी बेटी लॉरा लायंस। तो स्टोरी शुरू होती है सर चार्ल्स बास्करविले की डेड बॉडी से, जो कि बास्करविले हॉल से कुछ ही दूर पर पड़ी हुई थी डार्टमोर में। अब इनके जो दोस्त हैं डॉक्टर मॉर्टिमर, वो घोड़े पर बैठे हुए हैं, और शर्लॉक होम्स। डॉक्टर मॉर्टिमर कोशिश करते हैं शर्लॉक होम्स को बताने की कि ये हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई होगी। साथ ही साथ डॉक्टर मॉर्टिमर सर हुगो बास्करविले की डेथ की स्टोरी भी होम्स को बताने लगते हैं, कि कैसे एक अलौकिक शक्ति से पैदा हुआ शिकारी कुत्ता इनकी फैमिली को पुराने समय से इनके वंशजों को मारता आ रहा है, क्योंकि इनके ऊपर श्राप लगा हुआ है। तभी दोनों की नज़र उस पंजे पर चली जाती है जो सर चार्ल्स की बॉडी के आसपास दिखाई दे रहे थे उस रास्ते पर। अब इससे होम्स को भी काफ़ी यकीन हो जाता है कि शायद ये उस शिकारी कुत्ते का ही काम है। अब इस बात को इग्नोर करते हुए डॉक्टर मॉर्टिमर आगे बढ़ जाते हैं और अपनी चिंता दिखाते हैं सर हेनरी बास्करविले, जो कि इस बास्करविले फैमिली के अब अंतिम उत्तराधिकारी बचे हैं। तो उनकी जान को बचाने के लिए होम्स पे काफ़ी दबाव डालते हैं कि आप इस गुत्थी को सॉल्व करें, इस मर्डर की साजिश को पता लगाएं कि ये किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब कुछ दिनों के बाद सर हेनरी, जो कि कनाडा से लंदन आ जाते हैं इस बास्करविले की प्रॉपर्टी को अब इनहेरिट करने के लिए, उनके उत्तराधिकारी अब बन जाते हैं वो। तो लंदन आते ही उन्हें एक लेटर मिलता है एनोनिमस नाम से, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। उस लेटर में धमकी दिया जाता है कि हेनरी इस बास्करविले की प्रॉपर्टी से दूर ही रहे, वरना उसकी जान को खतरा है। होम्स इस बातों को देखते हुए निगरानी रखता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद जब एक दिन डॉक्टर मॉर्टिमर और हेनरी गली में पैदल चल रहे थे, तो उन पर गोली चलती है। बस सर हेनरी बच जाते हैं उस दिन, और होम्स अपने साथी डॉक्टर वॉटसन को उनके साथ उस विले पे भेज देते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, और वॉटसन को कहते हैं कि सारी चीज़ों पर निगरानी रखे, सारे हरकतों पर, फैमिली के हर लोगों पर भी। उसी दौरान डॉक्टर वॉटसन
मोर्टिमर और हेनरी के साथ बास्करविले पे नज़र रखते हैं और सारी बातें जो है टेलीग्राफ करके शेरलॉक होम्स को बता देते हैं। और शेरलॉक बिना बताए उस डार्टमूर में छुपे हुए रहते हैं सारी चीज़ों को पता करने के लिए कि क्या उस कुत्ते की बात सही है या नहीं। पर उस डार्टमूर में उन्हें एक सच्चाई तो पता चल जाती है कि ये जो कुत्ते की बात है ये कुत्ता सच में है, पर ये कोई सुपरनेचुरल से पैदा हुआ कोई कुत्ता नहीं, बल्कि बास्करविले फैमिली के जो पड़ोस में मिस्टर स्टेपलेटन है उनका पाला हुआ कुत्ता है। और ये सारे मृत्यु की साजिश जो है इन्हीं के तहत की जा रही है। फिर शेरलॉक होम उस सारी हत्या की कहानियों के बारे में जानते हैं जो बास्करविले की फैमिली में इससे पहले होती हुई आई है। कैसे स्टेपलेटन ने सर चार्ल्स की हत्या को अंजाम दिया था, उनके पड़ोसी मिस्टर फ्रैंकलैंड की बेटी लॉरा लायन का साथ दे करके। लॉरा लायन सर चार्ल्स को रात के समय में घर से बाहर लाती है सेड्यूस करके, अपने प्रेम जाल में फंसा करके, और स्टेपलेटन अपने उस शिकारी कुत्ते को उनके पीछे छोड़ देता है। और सेम यही साजिश ये फिर से रचने वाले हैं अपनी पत्नी का साथ दे करके, जिसे वो अपने बहन के तौर पे सबको बता करके रखे हैं कि मिस बेराइल स्टेपलेटन जो है उनकी बहन है। असल में वो फोर्स किए हैं ऐसा इसलिए ताकि सर हेनरी मिस स्टेपलेटन के प्यार में फंस जाए और रात के समय इसे भी घर से बाहर निकाला जाए इसके चक्कर में, और फिर वो कुत्ता सर हेनरी को ही मार दे। स्टेपलेटन की ये सारी साजिश जानने के बाद शेरलॉक होम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम हेनरी को छोड़कर के ट्रेन से जाने का बहाना करते हैं और हेनरी को स्टेपलेटन के घर भेजते हैं डिनर इनविटेशन के लिए, ताकि जब वो रात को वहाँ से निकले तो स्टेपलेटन उस पर हमला ज़रूर करेगा मारने के लिए। और उसी वक्त मिस्टर स्टेपलेटन को शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन साथ में इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और ठीक उसी तरह की घटना घटती है और ये लोग मिस्टर स्टेपलेटन को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर ये मर्डर मिस्ट्री शेरलॉक होम सॉल्व कर देते हैं। फिर सर हेनरी भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जीने लगा।